वेलकम टू स्टडी हाई। और आज हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का सेट 3, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है तो एग्ज़ाम्स के लिए भी, SPI PO के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, NICL के। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम फ्रेंड टू स्टडी हाई। और आज हम आपके लिए हैं कोडिंग डिकोडिंग का एपिसोड नंबर 3। और यहाँ पे हमारे आपकी स्क्रीन में आप सवाल देख रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया है, इट्स इंडियन गवर्नमेंट सर्विसेज आर 52A81 Q76 T39 इज पब्लिश बाय अथॉरिटी ऐसे, एंड नोटिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट J84E81। मतलब यहाँ पे सिर्फ टू वैल्यूज़ ही हैं निकालने के लिए, ठीक है। वन एंड टू, फर्स्ट इज अल्फाबेट एंड सेकेंड इज नंबर, ओके। सो अगर आप ध्यान से इस सीरीज को देखें, सो लेट्स ट्राई। हमने बताया था कि अगर नंबर 26 से बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे तो 52, 81, 39 है, सो हमें क्या करना है, एडिशन हो रही होगी या फिर कोई मल्टीपल होगा। तो चलिए वो देख लेते हैं। एडिशन तो नहीं हो रही है आई एंड एस की। आई होता है हमारा 9 एंड एस नंबर होता है 19। तो अगर देखें तो एस 19, 28, 28 यहाँ है, नहीं है, ओके। तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो अगला मल्टीपल देख लेते हैं। मल्टीपल 52, 81, 76, 39, 36 3 का लग रहा है, बट हेयर इट इज 29 एंड हेयर 25, दिट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। सो विच नंबर, 9? नो। तो फ्रेंड इस तरीके से तो लग नहीं रहा ये होगा। सो सी फ्रेंड, देखिए इस तरफ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, यहाँ पे इट्स दिया है, ओके। नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन दिया है, ओके। एंड और क्या कॉमन दिया, पब्लिश पब्लिश दिया है। सो इट्स इजी, राइट हैंड साइड देखते हैं, ऐसा कुछ है। इट्स T39 T39, ओके, ठीक है। तो ये पुरानी कोडिंग की तरह ही लग रहा है, जो मतलब पहले आती थी चाइनीज कोडिंग, ठीक है, जो नॉर्मल कोडिंग आती थी। सो यहाँ से पता चल गया, इट्स इट्स इसके लिए है T39 T39 के लिए। तो वो पेपर में ऐसा सवाल भी आपको दे सकता है, ठीक है, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि नए ही पैटर्न से है, लेकिन पुराना पैटर्न ही वो दोहरा देता है। तो अब इस ध्यान में रखिएगा, क्योंकि SBI PO है, कुछ भी ट्रिक कर सकता है आप लोगों के साथ, ठीक है, और आगे भी आपके साथ ऐसा ट्रिक किया सकता है एग्जाम्स में। तो प्लीज़ ध्यान से, पुरानी वाली ये नहीं कि अगर इस पैटर्न को देखा और फट से उसी तरह शुरू हो गए, ध्यान में पुराना पैटर्न तो नहीं है कहीं, उसको भी एक नज़र में ध्यान में रखिएगा, तभी आप सवाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे इट्स को कोड किया है किससे, T39 से, ओके, इसको कट कर दिया, ओके। अब आगे क्या है, पब्लिश और पब्लिश, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है हमारे पास, B45, ओके। तो B45 को कट कर दीजिए, तो पब्लिश है हमारे पास B45, ओके। उसके बाद क्या है हमारे पास, नोटिफिकेशन 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 दैट इज J84, ओके, J84 नोटिफिकेशन क्या है, J80। तो ये J84 दिया है, तो इसी पैटर्न में आप फॉलो करिए, ठीक है। अब जैसे आपको पेपर में इसी पे सवाल आ सकता है, और इसी पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो आप अथॉरिटी बाय फॉर के लिए भी निकाल सकते हैं। तो इसी पैटर्न में आपको पूछा जा सकता है सवाल, क्योंकि लास्ट ईयर भी SBI 2016 में ऐसा ही सवाल दिया गया था, और बच्चों को काफ़ी लगा था कि ये नया ट्रेंड का सवाल है, लेकिन ये पुराने पैटर्न भी था, तो ऐसा सवाल आ सकता है। तो आपको वो सवाल कैसे पूछ सकता है, इस बेस पे पैटर्न पे, कि R29 को, ठीक है, कि फॉर को किस तरह से कोड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि फॉर को क्या कोडिंग की है। तो आपको पहले सारा गवर्नमेंट गवर्नमेंट ढूंढना पड़ेगा, जैसे आप पहले कोडिंग करते थे वैसे ही। तो ये सवाल मैंने इसलिए करवाया क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब देखने में लगता है कि जो नई डिकोडिंग निकोडिंग का पैटर्न है
उस सवाल से होगा, लेकिन ये होगा पुराने वाले सवाल से। तो सवाल जब करिएगा तो ये ध्यान में रखिएगा कि पुराना पैटर्न तो नहीं कहीं पूछा, तो इसलिए पहला अटेम्प्ट पुराने को दीजिएगा, फिर बाद में नहीं कोडिंग डिकोडिंग के जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं एपिसोड 1 से, जो कोडिंग डिकोडिंग का हमने चलाया था उस हिसाब से फॉलो कीजिएगा। और वो बेसिक ज़रूरी है कि कैसे देख के पता लगाएं कि 36 है तो हमें कौन सी तरीके से करना है, ठीक है। 26 से ज़्यादा है तो कैसे अल्फ़ाबेट को रिवर्स ऑर्डर कैसे याद करना, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू। इस वीडियो को देखने वाले जो भी नए व्यूअर थे वो प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, तभी आपको आने वाली नई वीडियोस के बारे में जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा। और शेयर कीजिए वीडियो को, और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्टडी हाई सर्च कीजिए और आप स्टडी हाई पे ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।